हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं हूँ सीमा और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी गाइस, जो आज की रेमेडी फेस के लिए नहीं है बल्कि बालों के लिए है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, शाइन नहीं है, तो मान लीजिए जो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, जो मेरी वीडियो होती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आइए आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसका यूज़ करके आप हमेशा के लिए अपने बालों में शाइन ला सकते हैं और बालों का झड़ना कम कर सकते हैं। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो आज की रेमेडी है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है खाली बाउल और उसके अंदर जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट यानी कि हमारी पहली चीज़ है वो है हमारा शैम्पू। शैम्पू आप जो भी को यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। मैं पेंटीन यूज़ करती हूँ तो मैंने पेंटीन लिया है। और उसके बाद हमारी जो दूसरी और आखिरी चीज़ है वो है हमारा एलोवेरा जेल। ये हमने लेना है, जितना आपको शैम्पू लेना है उससे ये आधा लेना है। जैसे मैंने एक चम्मच शैम्पू लिया तो उसके अंदर मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है दोनों को। तो ये जो हमारी रेमेडी है आज की वीडियो के अंदर वो बनकर रेडी हो गई है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो के अंदर रेमेडी। आपने देखा इसको बनाना कितना इजी है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। और नॉर्मली जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे ही आप लोगों को शैम्पू करना है। हफ्ते में 2 बार इसका यूज़ ज़रूर करना है, अगर आप चाहें तो 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, जितना यूज़ करेंगे इतना ही अच्छा है। और इससे आपका बालों का जो झड़ना है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे और बालों में शाइन आ जाएगी। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।